नमस्कार दोस्तों, फूड फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल बाजार जैसा पनीर पिज्जा की रेसिपी, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी चीजी पनीर पिज्जा की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की वीडियोस भी आपके पास तक आती रहेंगी। तो चलिए बनाते हैं पनीर पिज्जा। पनीर पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून ऑयल, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और 1/4 चम्मच नमक। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 पिंच तक जिंजर गार्लिक का पेस्ट। सभी चीजें डालने के बाद हम गैस को ऑन करेंगे। आप ध्यान दें कि गैस को मैंने सारा सामान डालने के बाद ऑन करा है, और अब हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में फटाफट इसके अंदर डाल देंगे 100 ग्राम पनीर। पनीर के यहाँ पर मैंने इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं और इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अच्छी तरीके से मसाले के अंदर पनीर मिक्स हो गया है। सभी चीजों को प्रिपेयर करने में मुझे सिर्फ यहाँ पर 2 मिनट लगे हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अपने पनीर को हल्का सा ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हमने लिया है पिज्जा बेस। यहाँ पर मैं बाजार का पिज्जा बेस यूज कर रही हूँ और बिल्कुल पतले वाला पिज्जा बेस मैंने यहाँ पर यूज किया है। और ये मेरा आटे का पिज्जा बेस है। सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज्जा पास्ता सॉस। ये भी मैं यहाँ पर रेडीमेड ही यूज कर रही हूँ। इस तरीके से चारों साइड हम पिज्जा पास्ता सॉस को लगा लेंगे। चारों साइड सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ओरिगैनो। यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कप मोजरेला चीज। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है और पूरे पिज्जा के ऊपर हम इसको इस तरीके से फैला देंगे। अच्छी तरीके से मैंने मोजरेला चीज चारों साइड फैला दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप चेडर चीज। इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है और इसको भी हम इसी चीज के ऊपर चारों साइड फैला देंगे। इस तरीके से हल्का हल्का किनारे छोड़ते हुए चारों साइड मैंने चीज को फैला दिया है, जिससे कि चीज हमारा मेल्ट होके नीचे ना गिरे। अब फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे ओरिगैनो और अब हम यहाँ पर लगा देंगे अपने पनीर के पीसेस। पनीर हमारा यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, जितना चाहे उतने पनीर के पीसेस आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा बेक करने के लिए रेडी है यहाँ पर पनीर पिज्जा। आप चाहें तो इसके साथ इधर शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं और प्याज भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक तंदूर के अंदर हम यहाँ पर पिज्जा को बनाकर तैयार करेंगे। तंदूर को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया है। तंदूर हमारा यहाँ पर प्री हीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर रख देंगे अपना पिज्जा और इसको 8 से 10 मिनट तक बेक होने देंगे। 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने पिज्जा को चेक करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा पिज्जा यहाँ पर सिककर तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, सर्व करने के लिए तैयार है हमारा यहाँ पर बिल्कुल बाजार जैसा पनीर पिज्जा, जो कि बहुत ही चीजी बनकर तैयार हुआ है। आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। थैंक यू।